नगर परिषद बैराड़ में नाली का निर्माण ठेकेदार द्वारा दबंगगीरों घटिया कराया जा रहा है। बैराड़ नगर परिषद अंतर्गत आने वाले धोरिया रोड से जहां ठेकेदार द्वारा नाली बनाने के बाद नाली को ढकने का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर परिषद बैराड़ में धोरिया रोड निवासियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ठेकेदार द्वारा नाली का घटिया निर्माण कार्य मनमर्जी और दबंगी के साथ कराया जा रहा है। किसी की कोई सुनवाई नहीं है। नाली में बड़े बड़े पत्थर और कूड़ा कचरा और गंदगी बुरी तरीके से भरी हुई है। कोई साफ सफाई नहीं हो रही है और नाली के ऊपर जो लेटर डाले जा रहे हैं उसमें कोई तालमेल लेवल मिलकर नहीं डाले जा रहे हैं। कहानी कहीं तो एक एक फीट के गैप पड़े हुए हैं जिसमें कभी भी कोई घटना हो सकती है। किसी का पैर फ्रैक्चर हो सकता है, कोई बड़ी घटना घट सकती है। दुकानदारों द्वारा अपने आगे के जो गैप पड़े हुए हैं उनमें अपने लेंटर और लकड़ियां लगाकर बंद कर दिया है। जब इस संबंध में हमारे द्वारा ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को कहा जाता है तो नाली की पहले सफाई करने के बाद नाली का सही लेवल मिलकर आगे काम करो हमसे कहा जाता है, जो कि जो हो सके वह कर लेना। आप कहीं भी जाकर शिकायत करो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर अभी से ये हाल है तो आने वाली बरसात में नाली का क्या हाल होगा। इस और ठेकेदार और उसके कर्मचारियों का कोई ध्यान नहीं है। खास बात यह है कि नाली में भारी गंदगी के कारण मच्छर भी पनप रहे हैं, गंदगी फैल रही है जिससे कभी कोई गंभीर बीमारी फैल सकती है। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपका तो आपकी ये दौरिया रोड पर दुकान आपकी ही है, तो ये नाली को लेकर क्या कुछ समस्या है? समस्या ये कचरा भरा हुआ है, उनकी सफाई नहीं हो रही। सबसे पहले तो निर्माण करने में कमी रखी गई कि ना तो ढाल उसका लिया गया, पानी भरता है और कचरा इकट्ठा हो रहा है। दूसरा फिर उसके ऊपर जो इन्होंने लेंटर डाले उनको कोई नाप तोल नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं सामने लेंटर डाल दिए और उसमें जगह खाली रह गई। किसी का पैर उसमें सूख जाए, कोई बच्चा उसमें सरक जाए तो क्या होगा उसका? और इसमें साफ सफाई नहीं है, इसको लेके क्या कहेंगे? साफ सफाई तो पूरी बंद पड़ी है सब, उसमें कचरा भरा हुआ है, इतना कचरा। तो आपने कभी इसके बारे में किसी से कुछ बोला? बोला, कई बार बोला, ठेकेदार से भी बोला, तो कह रहे हम करवा देंगे करवा देंगे। मेरा नाम सुनीता श्रीवास्तव। सर जी, मकान आपका है? दौरिया मेरा मकान, आप मेरा ही है जी। हाँ, तो क्या समस्या है नाली से? अरे भैया, मैंने जी ठेकेदार से दो चार बार कह रही कि जी सब सफाई करवा दे, इसकी सफाई करवा दे, वो सफाई नहीं करवाता। जी कहता तुम्हें दी का सो कल नहीं करवा रहा, मेरे से नहीं उठता जी, काम नहीं होता मेरे से। और गाली गलौज करते हैं वो कर्मचारी आते हैं तो वनसन वो बोलते हैं नहीं करवाना हमको, तो मैं दीखे सो कर लो जी कहते हैं वो लोग। तो इसकी मेरी दुकान ठप्प हो गई, मेरी किरायेदार परेशान है सारे मेरे। तो इसकी आपने और कहीं शिकायत नहीं की? मैंने 181 शिकायत की, वो सुनवाई नहीं करते 181 वाले। तो इस नाली की क्या क्या समस्या आ रही है आपको? इसमें गंदगी डली है, बदबू आती है, यहाँ पे पूरा कचरा सब इकट्ठा करके मेरे दरवाजे के आगे डाल दिया। तो अभी तो ये नाली का काम चल रहा है जैसे कि इसको ढका जा रहा है, तो फिर वो नहीं आती ढांकने में, ढांकने का ही बोला तो बोला नहीं नहीं कर रहा, तुम्हें दिखे सो करो नहीं करते। अभी जो ढांकने का काम कर रहा है तो बगैर सफाई के कर रहे हैं? हाँ, बगैर सफाई के कर रहे हैं, सफाई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे मेरे यहाँ तो करने ही नहीं आते, वो कहते नहीं कर रहे, तुम्हें दिखे सो करो नहीं करते वो। तो ये आपकी दुकान है? हाँ। तो ये नाली का ये कार्य चल रहा है, इसको ढकाया जा रहा है, तो ये कचरा डला है, इसकी संबंध में आप क्या बताएंगे? कचरा साफ किया जाए। तो इसके लिए आपने इनसे बोला नहीं? बोला था। तो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे डाल दें, वो ला रहे लेंटर वगैरह डाल देंगे उसको, मैंने लेंटर की लेंटर दी जाते। तो फिर लेंटर डल जाएंगे तो फिर कब सफाई होगी? वही तो कह रहा हूँ। तो फिर क्या बोल रहे थे? वो कह रहे कुछ नहीं बोला उन्होंने। आपका? मेरा नाम संतोष झा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं का बैराड़ का। तो ये दुकान आपकी है जी? तो ये नाली की क्या कोई समस्या है? सर ये तो पिछले 6 महीने से मैं कई बार तो ठेकेदार के गुर्गे आते हैं, उनसे कई बार शिकायत कर चुका हूँ। अब ये ढक दी और ये साफ कीने, इसमें आए दिन बदबू आती रहती है। नाली में कितना कचड़ा पड़ा है? बहुत काफ़ी पड़ा है। तो इसकी और किसी से शिकायत नहीं अब किया? किससे करने जाए, हम तो ठेकेदार से ही करेंगे। तो अभी आप क्या चाहते हो इसमें? ये साफ हो जाए, और क्या चाहते हो?